टाइम टू मूव ऑन, और हमने चेकआउट कर लिया अपने होटल रूम से, तो अब हम जा रहे हैं सीधा घर। काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो चुका है मेरे को यहाँ पर ना। तो गाइज अभी मैं ऋषिकेश से हम निकल के हरिद्वार आ चुके हैं और दोबारा उसी पॉइंट पे खड़ा हूँ, जो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है हरिद्वार वाला ना। इधर पर कोई होता भी नहीं है, ये पार्किंग एरिया है, जो हरिद्वार की पार्किंग देखो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी, ये पार्किंग एरिया है सारा, और उसके साइड में ये इधर से गंगा नदी ये बहती है और इधर पर बहुत शांत है। तो मैं इधर का मतलब दूसरी तीसरी बार आके मैं इधर खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ी सी देर, और शायद अभी हमारे साथ जो हैं भाई लोग वो थोड़ा सा गंगा नदी में स्नान करेंगे, तो इसलिए हम रुके हुए हैं। तो ये देखिए गाइस, ये पार्किंग है यहाँ पर हरिद्वार की, ये पार्किंग तो सभी को पता होगी ऑलमोस्ट, हरिद्वार तो कौन नहीं आया होगा आज की डेट में, सभी आएगा। तो ये पार्किंग है, और पार्किंग के ना जस्ट इधर साइड से ऐसे करके एक स्टेयर आ रही है, उधर से ऊपर आने के बाद ये एक छोटा सा एरिया पड़ता है, देखो जूम करके दिखाता हूँ, आस्था पथ कुछ करके नाम है, और साइड से रिवर इधर पर बह रहा है। ये देखिए शाम इधर पे बहुत अच्छी लगती है यार, कभी अगर आप आते हैं तो इस जगह पे ज़रूर थोड़ा सा टाइम ज़रूर देना, इधर पर अच्छा लगता है। हर की पौड़ी से थोड़ा सा ही दूरी पर हूँ, और मैं भैया से इधर पर चना चाट लगवा रहा हूँ, इनका बनाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग है और यूनिक है। ये देखिए इन्होंने ना बहुत छोटे छोटे क्यूब्स बना रखे हैं ऐसे करके, हर चीज़ के, खीरे के, गाजर के, मूली के, टमाटर के, और फिर उसके बाद ये ऐसे करके कुछ चना चाट बनाते हैं। तो मैं पहले ये खा लेता हूँ, थैंक यू। कितने का? अभी हम ये हर की पौड़ी से और सीधा नीचे मार्केट में आए थे कुछ खाने के लिए, तो मैंने ये देखा है कि इधर पर ये मशहूर पंजाबी लस्सी वाला करके एक शॉप है, और इधर पे समोसे का साइज़ देख लीजिए एक बार आप, ये दिल्ली के समोसे से अलग है। साथ में कचौड़ी और सब्जी देते हैं सर, और ये है रबड़ी। तो ये भागीरथी सेतु है, और मैं आपको और दिखाता हूँ सारा, ये लोग तो अपने कपड़े वपड़े बेच रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर ये भाई आपको पता नहीं क्या हो गया है, और ये देखिए गंगा नदी पास से आप लोग ये देख सकते हैं आप, ये ब्रिज कितना अच्छा लग रहा है। शाम को जब इधर पर आरती होती है तो इधर का जो दृश्य है और ज़्यादा अच्छा लगता है, बट अभी तो खैर दोपहर है, अभी आरती का टाइम नहीं है, और हम तो थोड़ी देर के लिए रुके हैं, उसके बाद दिल्ली चले जाएंगे। और सामने भी देखिए वो भी ब्रिज, और ये देखिए गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मेरठ बाईपास के इधर पर, और हम अभी इधर पर यहाँ चाय पीने रुके हैं। ये ढाबा है बहुत अच्छा और फेमस ढाबा है, पंडित जी ढाबा, अगर आपको पता हो और अगर आपको थोड़ा सा जानकारी हो तो ये पंडित जी ढाबा काफ़ी फेमस है। तो ये देखिए गाइस, ये इनके अंदर की सीटिंग्स है सारी, यहाँ पर ये काउंटर है, और यहाँ पर तो बहुत फेमस है जहाँ पर कुल्लड़ वाली चाय मिलती है। हम नोएडा के आसपास पहुँच चुके थे, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है, ये देखिए प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए एक जगह ये प्लेन खड़ा हुआ, और ये हाईवे है पूरा, ये देखिए सारा हाईवे है, सामने सनसेट हो रहा है। देखिए शायद अभी इधर पर खड़ा किया गया है, वो वजह ये भी हो सकती है कि शायद अभी इसमें जैसे लुधियाना में एक प्लेन में रेस्टोरेंट खोल रखा है, तो मे बी शायद ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट ये लोग भी, पर लोगों की इधर भीड़ लगी हुई है और वो देख रहे हैं, और उसको कुछ लोग उसको रिपेयर भी कर रहे हैं। थे अब मैं आ चुका हूँ अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से अब मैं जाऊँगा सीधा उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन या तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ से मैं अपने घर के लिए जाऊँगा। तो मैं दिखा देता हूँ बैक कैमरे से एक बार आपको अक्षरधाम का नज़ारा, ये देखिए वो सामने अक्षरधाम मंदिर है। तो ओके गाइज, अभी मैं उतर चुका हूँ तिलक नगर मेट्रो स्टेशन, अब मैं आ चुका हूँ दिल्ली और तिलक नगर मेट्रो स्टेशन से उतर चुका हूँ, तो अब मैं यहाँ से कोई अपना कन्वेंस लूँगा, RTV या कुछ और जो भी है, उसके बाद मैं मिलता हूँ अब आपसे सीधा घर। ओके गाइस, अब मैं आ चुका हूँ घर में। तो ये ट्रिप थी जो बहुत लंबी थी और अब हो चुकी है ख़त्म, मैं घर में आ चुका हूँ। देखो पूरा टैनिंग वैनिंग लेकर आया हूँ बहुत बुरी तरह, बच्चे देखो हाय गाइस।
हाय गाइस, तो हाँ गाइस बाय। तो आज के ब्लॉग का यहीं करते हैं। बाय बाय। तो ठीक है गाइस, बाय बाय। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। सारे ब्लॉग देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, पूरे देखिएगा, कैसा फन किया, कैसा लग रहा है आपको जर्नियों वाली वीडियो, तो वो ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।